हरियाणा की महिलाएं चाहे तो पहाड़ पलट सकती हैं, इस उर्वर धरती का नया इतिहास लिख सकती हैं, पर पुरुष प्रधानता के आगे लाचार हैं। जकड़बंदी की ओढ़ने से सारा दिन अपना चेहरा ढके रहती हैं, आंखें भाव शून्य हैं। सबका बोझ उठाने वाली और धरती का सीना चीरने वाली उनकी बाहें अपना ही अधिकार पाने के लिए नहीं उठ पाती। देसन मां देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। मेहनती किसानों और उद्यमियों का यह राज्य छोटे राज्यों के विकास का आदर्श है। खेती के क्षेत्र में हरियाणा ने एक नई मिसाल कायम की है, पर खेती में आगे बढ़े हरियाणा ने बेटी को पीछे धकेल दिया है। बेटी और खेती में एक को चुनना हो तो यहां के लोग खेती को चुनते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच 36 का रिश्ता है। एक ओर जहां हरियाणा के उत्पादन, आय और समृद्धि के आंकड़े हौसले बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर औरतों के आंकड़े हताश करते हैं। राज्य के हर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 865 महिलाएं हैं। यह अनुपात देश के सभी राज्यों के मुकाबले सबसे कम है। हरियाणा ने हरित क्रांति के दौरान और बाद में भी औद्योगीकरण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का अच्छा इस्तेमाल किया, पर इसी प्रौद्योगिकी का औरतों पर बहुत बुरा इस्तेमाल किया गया। एक तरफ खेत और कारखानों में उत्पादन बढ़ाया गया तो दूसरी तरफ लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया गया। लेकिन पढ़ा लिखा समाज अन्याय को लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता और परिवर्तन की लहर के आगे पारंपरिक समाज बदले बिना नहीं रह सकता। ऐसे में शुरू होता है द्वंद और छिड़ती है एक जंग। पुरुष प्रधान समाज और औरतों की आजादी की चेतना के बीच चलने वाली इस जंग से निकलता है इंसाफ पसंद समाज का रास्ता। सर्च, राज्य संसाधन केंद्र हरियाणा शिक्षा, नाटक और कला संस्कृति के अन्य औजारों के माध्यम से इस राज्य की उपजाऊ धरती में चेतना के नए बीज बो रहा है और महिलाओं को मौजूदा हालात के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इनमें आगे बढ़ने का हौसला बढ़ा रहा है, बराबरी की चेतना जगाते हुए शिक्षा का माहौल बना रहा है और सतत शिक्षा कार्यक्रम को एक नया अर्थ दे रहा है। नाटक ने समाज के बीच में एक बहस छेड़ दी और उस बहस में महिलाओं को, लड़कियों को एक मौका मिला। उन्होंने हमसे कहा कई बार परफॉर्मेंस के बाद में आके कि ये जीवन में, हमारे जीवन में रोज घटता था, लेकिन हम अपने परिवार के साथ, अपने दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने पूरे गांव के सामने खुले में ये बातें कह दी, हमारा काम आसान कर दिया, क्योंकि ये समय की मांग थी कि अब इस तरह की अवेयरनेस जनरेट करने के लिए लोगों के बीच में ये मुद्दे जाने चाहिए। और क्योंकि जत्था या कला के माध्यम से ये ज़्यादा सशक्त माध्यम है, इसलिए हमने इसको दोबारा से कोशिश की और पूरे हरियाणा में 52 जगहों पे हमने पिछले साल परफॉर्मेंस इसकी की थी। रोहतक को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है भाली आनंदपुर गांव, जहाँ निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए 1993 में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया। कुल 450 निरक्षर दर्ज किए गए, इनमें से सिर्फ 65 लोगों को साक्षर किया जा सका। राज्य संसाधन केंद्र ने यहां दिसंबर 1999 में सतत शिक्षा जनचेतना केंद्र शुरू किया। इसे एक आदर्श केंद्र के तौर पर चलाया जा रहा है। इसके परिणामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है ताकि इससे सीख लेकर कार्यक्रम को बेहतर बनाया जा सके। हमने भाली आनंदपुर के अंदर जो सेंटर स्थापित किया, उसका हमारा रूपरेखा हमारी ये थी कि 8 गांवों का ये एक नोडल सेंटर जो है वो बनेगा। वास्तव में एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा,
कि जो कार्यक्रम परियोजना के अंदर जिस तरह से देखा जाता है, जिस तरह से समझा जाता है और जो व्यवहार के अंदर ज़मीन के ऊपर लागू किया जाता है जो कार्यक्रम, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप रहते हैं। और ये गैप कुछ इस प्रकार के हैं कि नोडल सेंटर, एक नोडल सेंटर को स्थापित करना और ग्रामीण समुदाय की पूरी भागीदारी उसके अंदर सुनिश्चित करना और गांव के लोगों की नीड का वास्तव में वहाँ एक उस सेंटर के माध्यम से अभिव्यक्ति मिल पाए, उस केंद्र के माध्यम से वो लोग वास्तव में अपनी ज़रूरतों की अभिव्यक्ति देख पाएँ, इस प्रकार का एक आदर्श सेंटर स्थापित करने के लिए बहुत गहरे प्रयासों की ज़रूरत है। और इन प्रयासों को करते हुए भाली आनंदपुर के अंदर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, किस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, इस प्रेरणा से बहुत ही मेहनत करके हमने ये सेंटर जो है एस्टैब्लिश किया है। हालांकि इसके अंदर तमाम प्रकार की दिक्कतें हमें आ रही हैं। केंद्र की प्राथमिकता पढ़ाई लिखाई है, पर साथ में यहाँ जन चेतना के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। सर्च ने इस केंद्र के लिए करीब 600 किताबें मुहैया कराई हैं। इनके लिए एक पुस्तकालय भी है। नवसाक्षरों के लिए लिखी गई इन किताबों में डॉक्टर सुरेश शर्मा की भूत की मौत है, प्रोफेसर सूरज भान की सुध है, नरनौल की सतनामी है और अब्दुल बिस्मिल्लाह की अतिथि देवो भव है। घर में फल सब्जी इस श्रृंखला की महत्वपूर्ण किताब है। महिलाएं मिलजुल कर इन किताबों को पढ़ती हैं और फिर इनकी कहानियों और तथ्यों पर चर्चा करती हैं। आखिर किताबें पढ़ने से ही तो उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह रही है कि इस केंद्र के माध्यम से 40-50 महिलाओं का एक समूह जो है भाली आनंदपुर के अंदर इस प्रकार का इकट्ठा हुआ। जो महिलाएं पहले किसी न किसी रूप में साक्षरता से थोड़े समय के लिए जुड़ी थीं, लेकिन बाद में वो महिलाएं उस तरह से लगातार नहीं जुड़ी रही, लेकिन इस केंद्र के अंदर उन महिलाओं ने लगातार आना शुरू किया है। और वो महिलाएं वहां बैठकर जहां अपनी जागरूकता और जानकारी के संदर्भ में राज्य संसाधन केंद्र के द्वारा की जाने वाली बातचीत के अंदर रुचि लेती हैं, वहाँ अपनी बहुत ही जटिल और बहुत ही गहरी घरेलू सामाजिक समस्याओं के ऊपर संवाद करती हैं, चिंतन करती हैं और सामूहिक तौर पे उनको दूर करने का प्रयास करती हैं। वास्तविकता को यह है कि मौजूदा राजनीतिक हालतों में एक ही पन्ने पर पूरी दुनिया को समेट कर रख देने वाले अखबार इन महिलाओं के चेहरे पर अनेक रंग भर देते हैं। इसको पढ़ते हुए महिलाओं की खुशी, दुख और हैरानी जाहिर होती है। गली मोहल्ले देश दुनिया की खबरें महिलाओं को मिलती हैं और इन्हें कुछ करने को प्रेरित करती हैं। इसीलिए आनंदपुर की महिलाएं शराब के खिलाफ उठ खड़ी हुई। हमने शराबबंदी के लिए करा, हमने मतलब यो जो ज्यादा ही गुंडागर्दी माच रही थी यहाँ पर, जो यार आए हुआ पाड़क है ज्यादा माच रही थी, इसलिए हम ग्रुप बना के कट्ठे हुए, मतलब सारी महिला गांव की कट्ठी होकर और फिर हम मतलब डीसी का गई, 50 महिला गए हम डीसी का। अगर डीसी का गए हम, डीसी तो मिले और हम मतलब थाना भी आए, फिर हमारे मतलब आड़ा आए भी हैं आदमी भी, वो थानेदार भी आया है, डीसी भी आया है, हमने मतलब वो पेटी वटी भी उठा कर ले गए हैं हमने, फिर भी मतलब खूब हौसला होया हमारा। एक पशु पालने से कितना फायदा होगा? भाली आनंदपुर का ये जनचेतना केंद्र स्थानीय लोगों के लिए एक सूचना केंद्र बनता जा रहा है। जिला केंद्र से सामान्यतः महिलाओं को उनके लिए बनाई गई योजनाओं की विधिवत जानकारी नहीं मिल पाती थी, पर अब ये केंद्र इन्हें हर एक योजना के बारे में पूरा ब्यौरा देता है। IRDP, ट्राइसिम, ड्वाक्रा, JRY, IAY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, डेयरी योजना, सबके बारे में जानने के बाद वे अपनी क्षमता, योग्यता और रुचि के हिसाब से उनका लाभ उठाती हैं। पढ़ाई लिखाई करने और सामाजिक चेतना जगाने के अलावा इस केंद्र ने महिलाओं की उद्यमशीलता को भी जगाया है। वे अचार, मुरब्बा, चटनी और जेली वगैरह बनाकर डिब्बों में बंद करती हैं। इससे इनकी आमदनी और भी बढ़ती है। खेती किसानी करने वाली भाली आनंदपुर की महिलाओं के लिए ये केंद्र एक सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया है। समय मिलने पर ये केंद्र पर इकट्ठा होकर लोक धुनों से अपना मनोरंजन करती हैं।
राज्य के अन्य इलाकों के मुकाबले यहाँ अंधविश्वास कुछ ज्यादा ही है। साधु फकीर का भेष धरे लोग भभूत वगैरह देकर और चमत्कार का सहारा लेकर लोगों से धन ऐंठते हैं। स्वाभाविक रूप से चेतना में पिछड़ी महिलाएं इसकी ज्यादा शिकार होती हैं। अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के लिए ज्ञान विज्ञान जत्था सक्रिय है। ये जत्था लोगों के सामने वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से चमत्कारों की कलई खोलता है। ये बताता है कि ज्यादातर चमत्कार रासायनिक प्रयोग ही हैं। चमत्कारों का पर्दाफाश नामक जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम ग्रामीण महिलाओं के बीच में, ये ना केवल महिलाओं के बीच में बल्कि पूरे समुदाय के बीच में, ये जो तथाकथित ढोंगी लोग हैं जो जादू बता के या इस तरह का बता के चमत्कार बता के उनको ठगते हैं, उसके उनके विरुद्ध हमारा ये एक कार्यक्रम है जिसमें साइंस के कुछ फॉर्मूले का प्रयोग करके वो चमत्कार दिखाते हैं। पुराने जगाधरी शहर का विस्तार है आज का यमुनानगर। इसकी सीमाएं दो प्रदेशों से मिलती हैं, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पूर्व में उत्तर प्रदेश। विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए सिखों और स्थानीय लोगों ने इसे एक औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया। करीब 9 लाख की आबादी वाले इस जिले में प्लाईवुड और बर्तन बनाने के कई कारखाने हैं, जबकि खेती में मुख्य रूप से गन्ने और गेहूं की फसलें होती हैं। यहां जिला साक्षरता समिति ज्योति पुंज ने 1992 से 1996 के बीच संपूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता अभियान चलाया। इन अभियानों के तहत लक्षित 1,03,323 निरक्षरों में से 72,431 को पूर्ण साक्षर और 16,486 को अर्ध साक्षर बनाया जा सका। इस सफलता से उत्साहित होकर ज्योति पुंज ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पास सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव भेजा और मिशन ने उसे मंजूरी दे दी। 1 अक्टूबर 1999 को ज्योति पुंज ने ये कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रेरक की अहम भूमिका होती है। उसे न सिर्फ योग्य और अनुभवी होना चाहिए बल्कि उसमें स्व प्रेरणा भी होनी चाहिए। क्योंकि पूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता अभियान को चले कई साल हो चुके हैं, फलतः यमुनानगर में स्वयं प्रेरित लोगों को आगे आने में कई समस्याएं हुई। बहुत सारी जो महिलाएं थी, विशेष तौर पर लड़कियां थी, वो बहुत सारी वॉलंटियर लड़कियों की शादी हो गई, वो दूसरे जगह चली गई, तो वो काफी बिखराव इस ड्यूरेशन में आया है। ये बात ठीक है कि बीच में कुछ गैप पड़ गया था और हमारे बहुत से अच्छे प्रेरक और वर्कर एनजीओ जिन्होंने पहले पीएलसी और टीएलसी में बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई थी, उनको हमने दोबारा पुनः से कांटेक्ट किया। उनको इस बात का एहसास दिलाया कि उन्होंने जो एक अच्छा कार्य पहले किया था उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। परियोजना के तहत कुल 411 सतत शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 41 को नोडल सतत शिक्षा केंद्र बनाया गया है। परियोजना को विधिवत लागू करने के लिए जिले को 7 जोन में बांटा गया है। एक जोन में यमुनानगर तथा जगाधरी और बाकी 6 जोन में 6 विकास खंड हैं। ज्योति पुंज ने सतत शिक्षा कार्यक्रम को चलाने के लिए पिछले 2 अभियानों के अनुभवों और उनके ढांचों का इस्तेमाल किया। साक्षरों और अर्ध साक्षरों की कतार थी, अक्षर सैनिक थे, पर कार्यक्रम इतना व्यापक है कि वो जोश की छोटी लहर से पूरा नहीं होगा, इसलिए एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा किया गया। अक्षर सैनिकों और कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर घर जाकर उनसे बात की, उन्हें बताया कि अगर इस कार्यक्रम से वे जुड़े तो उनके जीवन में नया जोश आ जाएगा। किताबों के महत्व को समझाते हुए उन्हें केंद्र पर आने के लिए प्रेरित किया गया। इन कार्यकर्ताओं के प्रयास ने सतत शिक्षा कार्यक्रम को एक जन अभियान का रूप दे दिया। हमने एक ये प्रोग्राम बनाया है, कैलेंडर तय किया है कि हर विभाग, जो भी उस विभाग में एक नई नीति आएगी, नया प्रोग्राम आएगा, उसकी मुख्य मुख्य बातें कि वो क्या हैं, उस प्रोग्राम से लोगों को क्या लाभ है, सरकार को उसमें जन प्रतिनिधियों का क्या सहयोग मिलना चाहिए, ग्राम पंचायत का क्या सहयोग होना चाहिए, जन जन का उसमें क्या सहयोग होना चाहिए, इसके आधार पे हमने कुछ मुख्य बातें प्रत्येक विभाग की कुछ स्कीमों की तैयार करवाई हैं। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सर्च राज्य संसाधन केंद्र ने नए प्रयोगों का सहारा लिया।
प्रेरक और नोडल प्रेरकों की एक कार्यशाला आयोजन करने की हमने एक योजना बनाई, लेकिन उस कार्यशाला को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम यमुनानगर के ज़िला को खुद जानें पहले। तो राज्य संसाधन केंद्र की एक टीम वहाँ गई और उन्होंने 3-4 दिन लगातार वहाँ उन लोगों के साथ जो साक्षरता अभियान के अंदर पहले जुड़े रहे और अब साक्षरता अभियानों के अंदर सतत शिक्षा कार्यक्रम को चलाएंगे, उन लोगों के साथ बहुत ही गहरा एक संवाद किया और वहाँ के पूरे यमुनानगर के गांवों का जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है उसको समझने की भरसक कोशिश की, ताकि उसी के आधार के ऊपर वहाँ की दिक्कतों को, वहाँ की समस्याओं को समझते हुए नोडल प्रेरकों के साथ एक संवाद जो है वो स्थापित किया जा सके, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने में आई भी। सतत शिक्षा केंद्रों के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया गया है। केंद्रों के लिए दरी, अलमारी, किताब कॉपियां और पेंसिलें जुटाई गई हैं। इन केंद्रों पर पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। इनमें मनोरंजन, ज्ञान और जीवन उपयोगी किताबें रखी गई हैं। सर्च राज संसाधन केंद्र ने इन किताबों को तैयार करने और उपलब्ध कराने में काफी मदद की है। 3 प्रकार से हम करते हैं इस काम को, प्रोफेशनल्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, कुछ जानकारियों से लैस किया गया जो सामग्री है वो तैयार करना नवसाक्षरों के लिए, ओरिजिनल राइटिंग्स क्रिएटिव राइटर्स के द्वारा, और तीसरी ऐसी साहित्य के अंदर उपलब्ध किताबें जो बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध हैं लेकिन नवसाक्षरों के लिए, उनको हम लोग यहाँ तैयार करते हैं। तो इस प्रकार की एक तरीका हमने अपनाया हुआ है, और इसके अंदर एक एडवाइजरी कमेटी के द्वारा स्क्रिप्ट का सिलेक्शन, स्क्रिप्ट का गाँव के अंदर जाना फीडबैक के लिए, उसका वापस आना, फिर नवसाक्षरों के लिए उसको पूरा नवसाक्षरों की नीड के मुताबिक उसको तैयार करना, फिर उसको पब्लिकेशन के अंदर डालना, और जब वो पुस्तिका पूरी तैयार होके आ जाए फिर एक बार से फीडबैक के लिए गांव में उसका जाना। सतत शिक्षा कार्यक्रम को रोजगार से जोड़ा गया है। महिलाएं सिलाई कटाई बुनाई थोड़ी बहुत जानती थी, पर केंद्र में उन्हें प्रशिक्षित कर उनकी कला को बेहतर बनाया गया है। जिला साक्षरता समिति उन्हें इस सारे कार्य के लिए सामान मुहैया कराती है। प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र और हरियाणा के खेल विभाग के मार्फत चल रहा है। आय वृद्धि, व्यक्तित्व विकास और जीवन स्तर में सुधार, ये सब तो सतत शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य हैं ही, और इन सब के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परंतु सबसे प्रमुख है शैक्षणिक समानता लाना। इसीलिए चलाया जा रहा है शैक्षिक समतुल्यता कार्यक्रम, यानी शिक्षा में जो पीछे छूट गए हैं उन्हें आगे लाया जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा छोड़ चुके लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। शिक्षा और रोजी रोटी एक दूसरे की सहायक भी हैं और विरोधी भी। मजदूर वर्ग के लिए रोजगार पहले है और शिक्षा बाद में, इसीलिए उनके बच्चे या तो स्कूल नहीं जाते या स्कूल बीच में छोड़कर बाल मजदूरी करने लगते हैं। सतत शिक्षा कार्यक्रम ने इन बच्चों को भी अपने अंक में समेटा है, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल नहीं भेजे गए तो निरक्षरता बनी रहेगी। यही है जिला साक्षरता समिति का स्कूल चलो अभियान, ताकि जब तक इनकमिंग हम स्टॉप नहीं करेंगे तभी तक अगर हम ऊपर से प्रयत्न भी करते हैं लोगों को साक्षर करने का, तो नए निरक्षर आते रहेंगे, पुरानों को हम साक्षर करते रहेंगे, तो वो संख्या वहीं बनी रहेगी। इसलिए हम वो जो इनकमिंग जो दरवाजा है, जो गेट है, उसको हम बंद करना चाह रहे थे। उसके बाद घर घर जाकर के उनसे संपर्क किया, उनके पेरेंट्स से संपर्क किया और उनको इस बात का एहसास कराया कि उनके बच्चे बच्चियों को स्कूल में जाना चाहिए। उनको जो स्कूल में भेजा गया तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि उस बच्चे की स्कूल की फीस, उसको वर्दी, उसको किताबें जो हैं, हमने सारी, चाहे कोई इंडिविजुअल्स थे हमारे जिन्होंने डोनेशन दिया या कुछ संस्थाएं थी जिनसे उनको स्पॉन्सर किया, तो इस प्रकार से जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर उन बच्चों को स्कूल भेजने से कोई भी किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल बर्डन नहीं आया, जिससे पेरेंट्स को ये लगा कि बच्चे स्कूल यदि पढ़ेंगे तो वो अपनी पढ़ाई अपने जो दूसरे लोगों से जो पैसा मिल रहा है उससे वो कर सकेंगे। केंद्र पर नियमित रूप से आने वाले अखबारों ने इनके जीवन में हलचल पैदा कर दी है। स्वाभाविक है कि इसका असर समाज पर भी पड़ा है। ये सब जानते बूझते हुए कुछ केंद्रों में एकाएक अखबारों की आपूर्ति बंद कर दी गई। इसके पीछे एक रहस्य था कि हमने लगातार 4-5 महीने तक 4 महीने तक अखबार रेगुलर हर केंद्र में भेजा,
और वहाँ अखबार पढ़ने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती रही और अब काफ़ी लोग अखबार रेगुलर पढ़ने आते थे। और हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हमने एकदम उस अखबार को बंद कर दिया और हम देखना चाह रहे थे कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा, कि क्या अखबार बंद होने से लोग रिएक्ट करेंगे कि नहीं अखबार को दोबारा शुरू करिए, या लोगों में कुछ रिएक्शन नहीं होता। बहुत सारे केंद्रों से हमें एकदम लोगों का रिएक्शन आया कि नहीं जी आपने अखबार क्यों बंद कर दिया, अखबार जरूर शुरू करिए। हमारे प्रेरक हमारे पास आए जी, लोग हमें पूछ रहे हैं कि आपने अखबार क्यों बंद कर दिया, उसको दोबारा शुरू करिए। तो हमने प्रेरकों की मीटिंग में एक बात किया है कि आप ठीक है, आप गाँव के लोगों का कंट्रीब्यूशन करिए कि लोग क्या वास्तव में अखबार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने ये कहा है कि आप 15 मेंबर बनाइए, 2-2 रुपए एक मेंबर प्रति मास मास दे और 30 रुपए हो जाते हैं, 30 रुपए आप दीजिए, 30 रुपए हम देते हैं, 60 रुपए में अगर एक अखबार आता है तो आप लागू कीजिए। इसको धीरे धीरे हम लेके जाना चाहते हैं कि गांव वाले अपने लिए खुद अखबार का प्रबंध करें, ताकि वो सरकार की तरफ या जिला साक्षरता समिति की ओर ना देखते रहें कि वो अखबार भेजेगी तो हम पढ़ेंगे। तो जो मुख्य पर्पज है इन केंद्रों का सेल्फ सस्टेन करने की ओर, कि आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी ऑन करें उनको। उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा अभियानों में स्वयं सहायता समूहों के गठन की बड़ी भूमिका है। ये समूह केवल बैंकिंग के उद्देश्य से नहीं बनाए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य नवसाक्षर विशेषकर महिलाओं का सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास करना है। कार्यक्रम की प्रगति जानने के लिए जिला साक्षरता समिति के सदस्य महीने में एक बार प्रेरकों की बैठक करते हैं। इसमें समिति के सदस्य प्रेरकों की समस्याओं को सुनते, समझते और उसका समाधान करते हैं। ये बैठक मूल्यांकन की एक मीटिंग है और एक परिचय समारोह भी। प्रेरकों से मिली रिपोर्ट जिला साक्षरता समिति के लिए काफी उपयोगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर समिति नवसाक्षरों से भी चर्चा करती है। इस चर्चा से कार्यक्रम की रुकावटें दूर हो जाती हैं और उसका अगला चरण तय होता है। सतत शिक्षा कार्यक्रम बहुत बड़े उद्देश्य के साथ शुरू हुआ है। ये औपचारिक शिक्षा का सहायक है, पर उन उद्देश्यों से भी जुड़ा है जिनमें औपचारिक शिक्षा नाकाम रही है, मसलन समाज सुधार, व्यक्तित्व विकास, रोजगार सृजन और व्यवसायिक शिक्षा। इस कार्यक्रम के आगे की क्या रूपरेखा होगी? मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो सेंटर है ये एक बहुत आने वाले समय के अंदर एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन सेंटर का कार्य करेंगे, जो कि एक तरह का प्रशासन और लोगों के बीच में एक सूत्रधार का कार्य होगा। और इससे उन्हें जहाँ सरकार की सभी जो नीतियाँ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में जानकारी मिलेगी, वहीं पर वो उसकी निगरानी भी रख सकते हैं, उसे लाभ उठा सकते हैं, अपना व्यक्तिगत और पूरे जो ग्राम है या पूरा जो एरिया है उसके विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इतने सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए या तो विशाल क्रांतिकारी संगठन चाहिए या अथाह पैसा। रोजगार दिलाना और उत्पाद बिकवाना अगर इतना आसान होता तो आज बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज न होती और ना ही तमाम लघु और घरेलू उद्योगों में दिक्कतें होती। एनएलएम की दिशा निर्देश जो रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों के ऊपर है वो बहुत ही सीमित है, और शायद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने इसको सीमित इस रूप में भी रखा है कि वो अपने अपने इलाके के अंदर अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इवॉल्व किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। शायद उनके दिमाग के अंदर ये बात रही होगी, लेकिन वास्तव में रोजगार उन्मुख कार्यक्रम चलाना हमें ऐसा लगता है कि नवसाक्षरों के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि दूसरी बात इसके साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही नहायत ज़रूरी है आज के संदर्भ में ये कार्यक्रम, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बड़ी बड़ी प्रशासनिक एजेंसियाँ और ख़ासतौर पर DRDA जो रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से ही जानी जाती है, वो भी बहुत प्रभावी तरीके से रोजगार उन्मुख कार्यक्रम नहीं चला पाई। इसके बारे में हमारी समझ वास्तव में ये है कि नवसाक्षरों को हम तकनीकी रूप से कुछ जानकारियां देके कुछ उनकी स्किल्स को, उनके हुनर को बढ़ाने के लिए कुछ प्रशिक्षण तो दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद उस उनके द्वारा बनाया गया वो सामान जो है, अगर वो किसी प्रकार से कोई सामान को बनाने लगते हैं, उसकी मार्केट उपलब्ध करवाना आज के इस हालात के अंदर कोई बहुत आसान काम नहीं है। इसीलिए अच्छा होता यदि सतत शिक्षा कार्यक्रम अपनी समस्याओं और अपने मूल्य उद्देश्य पर ध्यान दे। शिक्षा के लिए चेतना जगाने का माहौल तो बनाया गया है, पर शिक्षा की गाड़ी कब पटरी पर दौड़ेगी? क्या लोग पढ़ाई और हक की लड़ाई एक साथ लड़ पाएंगे? क्या इसे समाज बदलेगा? क्या ये कार्यक्रम
कुछ मॉडल केंद्रों के रूप में ही चलते रहेंगे या व्यापक आधार प्राप्त करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। Thank you.